आई एम शाहिद हमदानी, शायर, सीनियर राइटर, डायरेक्टर और प्रोड्यूसर। 2014 से मेरा एस एच इंटरनेशनल के नाम से बैनर इस्टेब्लिश हुआ है, खड़ा हुआ है। 2016 में फर्स्ट मूवी 6+1 रिलीज़ की थी हमने ऑन अकाउंट। अब सेकेंड मूवी है 6+1 2। और उसके साथ जो ये अभी अरशद भाई ने बोला कि कुछ म्यूजिकल सिलसिले करने, एक गज़ल जो बहुत दिनों से बैकड्रॉप में चली गई है, उस गज़ल को आज की जनरेशन से जोड़ना है, तो वो गज़ल का एल्बम तैयार है। आज सिक्का उछाल कर देखो उसका टाइटल हमने रखा है और जल्दी उसके शो शुरू करने वाले हैं। म्यूजिक गज़लों का पूरा कंपोज किया अरशद भाई ने, क्योंकि ये अपने बारे में बता नहीं पाए। गिटारिस्ट हैं ये बहुत अच्छे, और जगजीत जी के साथ 24 साल इन्होंने गुजारे हैं। तो हमारा एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन बना है। और फिल्म के साथ साथ शायर होने के नाते मुझे गज़लों को मैदान में लाना है, और कमर्शियल मेरी सोच है। तो इस पिक्चर में पूरा कमर्शियल फंडा है, म्यूजिकल बटर मिस्ट्री है, रोमांस है। और इसमें एक मैंने एक नई खोज की, एक लड़की की, सोनाक्षी यादव करके है, डिप्लोमा किया है डांस का, इसमें टाइटल सॉन्ग किया है जिसके पोस्ट पीछे लगे हुए हैं। तो साथ साथ ये हॉल स्टार्ट किया था कि मुझे खुद अपने जो फिल्मों के सॉन्ग्स के लिए रिहर्सल के लिए बाहर जाना पड़ता था तो कॉस्टली पड़ता है, तो मैंने सोचा कि अपने कुछ कर लो। जगह कमर्शियल एरिया है, आदर्श नगर की भीड़ से थोड़ा सा अलग हट के मैंने किया है, तो अपना ये यहाँ हॉल रिहर्सल भी होती रहेगी, साथ में डांस का और जो अपने शोज होने वाले हैं उनका म्यूज़िक का यहाँ रिहर्सल वो भी होती रहेगी। और बाकी कोई सिंगर्स और चाहे हमारे दोस्त हैं बहुत सारे कि भाई रिहर्सल के लिए जगह चाहिए तो आ जाइए, मोस्ट वेलकम। तो बस ज़्यादा ख्वाहिशें नहीं है, एक कुछ अच्छी चीज़ें पेश करनी है, इससे ज़्यादा और क्या बोला जा सकता है। और कौन से प्रोजेक्ट पे काम चालू है, क्या बोलना चाहेंगे? टीपू सुल्तान से मेरी ओपनिंग हुई थी, पहला सीरियल था वो मेरा। उसके बाद अकबर द ग्रेट, ग्रेट मुगल्स, ये सब तीन हिस्टोरिकल सीरियल लिख के बहुत से, मर्डर मिस्ट्री, टॉक शो, 12-14 सीरियल्स हो गए। लास्ट मेरा डोली से जाके रहा, इनका अरुण रानी उसको प्रोड्यूस कर रही थी, वो मेरा लास्ट सीरियल था। और फिल्मों में 5-6 फिल्में हो चुकी हैं, द होप 2003 में रिलीज़ हुई थी, 2004 में वो तेरा नाम था, 2005 में सतपुरा बुलेट एक धमाका वो पिक्चर रिलीज़ हुई थी। तो 6-7 फिल्में रिलीज़ हो चुकी है, अपना बैनर खुद का एस्टेब्लिश हो चुका है इस बीच में। तो एज ए राइटर शुरुआत की थी, एज ए रिलीजिस्ट तो बहुत सारे 20-22 एल्बम्स हो गए, एमएजिन साहब से लेकर और रूप कुमार राठौड़ तक बेशुमार सिंगर्स मेरा कलाम गाते रहे हैं, आज भी गाते हैं। तो चूँकि म्यूजिकल माइंड हूँ और शायर हूँ, तो इसलिए फिल्म के साथ साथ म्यूजिकल कुछ सिलसिला करना चाह रहा हूँ। तो हाथ छोटे हैं तो छोटा सा हॉल स्टार्ट किया है, बाकी अपनी मेहनत क्या रंग लाती देखते हैं। जैसा कि अभी आपने बोला गज़ल के बारे में, उसके बारे में क्या बताना चाहेंगे लोगों? देखिए, गज़ल एक इतना खूबसूरत मीडिया है लोगों तक पहुँचने का, और उन अपने जज्बात को, अपनी एनर्जी को उनके आम लोगों के, आम इंसानों के दिलों में भरने का। क्योंकि मैं जो महसूस करता हूँ, आज की जनरेशन बिल्कुल इस चीज़ से दूर है जो हमारे कल्चर है। गज़ल एक्चुअल हमारे कल्चर से ताल्लुक़ रखती है, और हमारे कल्चर से हमारी जनरेशन, हमारे बच्चे दूर होते जा रहे हैं, उनके साथ साथ हम भी दूर हो गए। मीडिया, फेसबुक वगैरह ने और ज़्यादा सत्यानाश कर दिया है। तो मेरी ख्वाहिश ये है कि कैसे भी करके गज़लों के बहाने से उनको जोड़ के लाऊं अपने कल्चर की तरफ। आजकल जो म्यूजिक चल रहा है उस पर मैं अटैक कर रहा हूँ। मेरा फिल्म में भी 6 सॉन्ग्स हैं, मेरी फिल्म में 6 के 6 70s की याद दिलाएंगे, और 6 के 6 हिट हैं। मेरी पूरी यूनिट यंगस्टर्स थे, 17 साल का से लेकर 24 साल तक, सबको गाने पसंद आए। तो हम जो, क्योंकि मेलोडी अभी जो आजकल रैप जो भी सॉन्ग चल रहे हैं, ना सिंगर समझ में आता क्या गा रहा है, न मीनिंग, बहुत से तो मीनिंग लेस ही होते हैं, कहाँ महबूब लिखना है, कहाँ सनम लिखना है पता नहीं होता। लड़की को अल्लाह बोल देते हैं, भगवान बोल देते हैं, तू मेरा खुदा है। तो ये स्टूपिड शायरी जो आजकल चल रही है, तो मुझे अपनी जनरेशन को समझाना है कि उसके मीनिंग समझो। शायरी ठीक है, गाना अच्छा लग रहा है, डांस भी करो, अच्छा चलो गज़ल पे नचाते हैं,
अब मैं आज की जनरेशन को गजलों पे नचवाना है वाला हूँ और डांस करेंगे इन गजलों को सुनकर, मेरी गारंटी है। 90s के सॉन्ग्स के भी आजकल काफी रिमिक्स आते जा रहे हैं, उसके बारे में क्या बोलना चाहेंगे, क्या पॉइंट ऑफ व्यू है आपका? मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से फोकले हो गए, नए गाने नहीं बना सकते, तो चलो पुराने गानों की इसी तरह करो, क्योंकि जो क्लासिक चीज़ है, देखिए जो 4-5-7 सिंगर्स जो थे और जो म्यूजिक डायरेक्टर्स थे, जो लिरिसिस्ट थे, वो जो काम कर गए हैं यार, उनको मत छेड़ो, कुछ नया क्रिएट करो। हाँ, उनसे इंस्पिरेशन हासिल करना करो, नॉट बैड, मैं भी इंस्पायर होता हूँ, लेकिन मैं अपना कुछ क्रिएट करने की कोशिश कर रहा हूँ। जो गुरु लोग कर गए उसको ख़राब नहीं करना है, हाँ उसको सुनकर सीखना है। तो ये जो रिमिक्स सॉन्ग होकर आ रहे हैं उसका मतलब कुछ है नहीं, कुछ नया करो ना। क्लासिक गाना हो चलो ठीक है, जो कांटा लगा, चलो आर डी बर्मन का एक गाना वो हुआ था, वो एक भीड़ चाल हो गई, जिसको देखो किसी ने ये गाना पकड़ लिया, किसी ने गाना पकड़ लिया, वो होते 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 अभी तो जो अब रैप सॉन्ग, अब कौन सा गाना था? अपनी तो जैसे तैसे, वो खुद अपने अंदर कमर्शियल सॉन्ग है और आज भी वो लगता है तरोताज़ा। उस गाने का सत्या ना गा कौन रहा है, अरे यार किशोर कुमार कुछ शर्माओ कुछ। तो मैं इसलिए इतना ज़्यादा बोलना नहीं चाहता क्योंकि बोलने में बहुत मास्टर हूँ मैं, तो मुझे किसी को क्रिटिसाइज करने के बजाय अपना कोई ऐसा ला पेश करना के फॉलो करो भाई। ऐसे नहीं कि आज सभी खोखले हो चुके हैं, हाँ कोशिश करें तो क्रिएशन कर सकते हैं, मगर जो क्लासिकल चीज़ हैं, जो अच्छे सॉन्ग्स हैं, उनको बच्चे को जी क्या मैसेज देना चाहेंगे? ना सुन बुरा, ना देख बुरा, ना बहुत बुरा, अच्छा सुनो, अच्छा सीखो, चाहे म्यूजिक हो चाहे प्यार मोहब्बत हो। तो मैं बधाई दूंगा ये SH रेसल हॉल के लिए, मियाँ शाहिद हमदानी जी ने जो खुला है, और बहुत बहुत बधाई हो आपको। और इनके प्रोडक्शन हाउस भी है जो इनका, उसमें मैं म्यूजिक भी कर रहा हूँ कंपोज। 6+1 Part 2 अभी होने वाली रिलीज, 6+1 आ गई है पहले, और हमने साथ में बहुत सारे एल्बम्स वगैरह गज़लों के एल्बम भी किए हैं, और वो भी इंशाल्लाह जल्द आप लोग के सामने आएंगे। और अच्छा काम, अच्छी शायरी, ये सब आपको देखने को मिलेगी। तो फिर से मैं एक बार बधाई दूंगा मिस्टर शाहिद हमदानी जी को कि जो इन्होंने ये प्रयास करके ये जो खोला है, और बहुत बहुत